काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं इस जगह, इस रोड पे, तो उतना भी कुछ डरावना जैसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम देख रहे हैं तो कार आ रहा है, कार जा रहा है, बाइक में भी आराम से आके जा सकते हैं। वहाँ पे जो स्पॉट पे हम गए, वहाँ पे तो बोल रहे थे कि मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कब आ सकते हैं, कब जा सकते हैं पता नहीं। तो अभी शायद डे टाइम है तो रोड पे तो नहीं आएंगे। देखो बाइक में भी कितने सारे फैमिलीज आ रहे हैं बच्चों को लेकर, हमने वहाँ पे देखा छोटे छोटे बच्चों को लेके भी आ रहे हैं। हाँ देखो टू व्हीलर पे आए हैं वो भी छोटे बच्चों को लेकर। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट मिल गया तो बहुत सारे लोग इस व्यू पॉइंट पे खड़े होकर फोटो ले रहे हैं। सीनरी मस्त है एकदम। देख के आते हैं कि ये व्यू पॉइंट जगह कैसा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल का यहाँ पे चिपका दिया हूँ, बार बार निकालना पड़ता है। मम्मी बोल रही है कि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, उसको देखने के लिए ऑन द वे पहाड़ चढ़ते वक्त, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा उतरे हैं। देखते हैं अभी व्यू कैसा है। वाओ नाइस व्यू। वाह मस्त ही है भाई। यहाँ से नीचे गिरो तो नामो निशान पता नहीं चलेगा, एकदम घना जंगल है। यहाँ पे व्यू मस्त है। तो यहाँ पे एक स्पॉट है, यहाँ पे हमने फोटो ले लिया। पूरा उतार चढ़ाव एकदम डाउन, एकदम जीप करके निकल जा रहा है पहाड़, उतर रहे हैं एकदम स्पीड। देखो मैं कुछ एक्सीलरेटर नहीं दे रहा हूँ, एकदम न्यूट्रल में गाड़ी, लेकिन 60-80 में खींच रहा है। यहाँ पे ना इंजन ब्रेकिंग को भी पकड़े रहना है। साथ गाड़ी को गियर में रख के ना इंजन ब्रेकिंग करते रहो, क्लच को थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के। ओके उतर गए शायद। यहाँ पे ना नेटवर्क ही चला गया, मेरा जो लोकेशन डाला था वो आ ही नहीं रहा नेटवर्क। हाँ थोड़ा सा आया है वापस। तो जैसे ही हम मंदारागिरी हिल के लोकेशन पे पहुंचे तो हमको वहीं पे एंट्रेंस के सामने एक होटल मिला, जहाँ पे हमने थोड़ा लेमन राइस पास लंच कर लिया। सामने हिल दिख रहा है जो हमको अभी चढ़ना है, और यहाँ पे आसपास अच्छे नज़ारे हैं, टेंपल है और बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस भी है। यहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर सब आराम से रह सकते हैं। तो हम वहाँ से जब निकले तो यहाँ तक हमको पूरा विलेज का रास्ता था अंदर का, तो कोई भी होटल ही नहीं मिला लंच करने के लिए। थैंक गॉड यहाँ पे मिल गया हमको। तो थोड़ा सा हमने लंच कर लिया, ये लेमन राइस चटनी, गुलाब जामुन भी लिया हमने बाद में। तो इसके बाद हम निकलेंगे अभी यहाँ से सामने। अभी वहाँ पे हमको जाना है उस पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है,
वहाँ पे जाना है और सीढ़ियाँ देखो वहाँ पे छोटा सा सीढ़ी दिख रहा है, 400 सीढ़ियाँ। हाँ टोटल 400 सीढ़ियाँ, कैसे चढ़ेंगे पता नहीं, देखते हैं आगे जाके। ये हम अंदर आ गए, यहाँ पे बड़ा सा एक स्तंभ है। मम्मी स्तंभ को नमस्कार कर रही थी। गोमटेश्वरा है ये, श्रवणा बेलोवाड़ा में भी एक गोमटेश्वरा का स्टैचू है बड़ा सा, लेकिन ये लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है, गोमटेश्वरा या बुद्धा। हाँ जैन जैन का टेंपल है ये, जैन का टेंपल। शायद यहाँ पे फाउंटेन हुआ करता था जो कि अभी सूख गया है, नहीं है। कितना कूल प्लेस है, हमको वो मन वहाँ पे चढ़ना है बाद में, यहाँ पे एक बार देख के आ जाते हैं। ये एक्चुअली एंट्रेंस गेट है, हमने वहाँ पे लंच किया था। ये एंट्रेंस गेट में मैं कैमरा ऑन नहीं किया बिकॉज वहाँ पे लिखा है कि फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड। मम्मी पास जाके देखते हैं। ये वाओ, टाइगर और ये काऊ, और टाइगर का बच्चा काऊ का दूध पी रहा है, काऊ का दूध पी रहा है, काऊ का बच्चा टाइगर का दूध पी रहा है सामने घूमते। हाँ करेक्ट, और काऊ का बच्चा टाइगर का दूध पी रहा है। इसमें से कुछ तो मैसेज है यहाँ पे। कितना शांति है, कितना ग्रीनरी है, कितना परिष्कार, कितना नीट है, कितना साफ शांति। यहाँ पे जाके देखना है क्या है, यहाँ पे टोम है, टोम है, टोम क्या टोम है देखना है अंदर जाके। पीकॉक जैसा मतलब, हाँ ये मोर के पंख जैसा है, हम इनके एक चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ से इस डूम की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। पूरा ग्रीन गार्डन है, बाहर निकल गए, पीछे आपको डूम दिख रहा होगा, दारा रिमा शौंगे चल रही। तो ऐसी वीडियो करते करते अंदर डूम के अंदर घुसे, तो बाद में बोले कि वीडियो एंड फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड इनसाइड द डूम। तो लेकिन वहाँ पे देखने का बहुत कुछ था, बहुत शांत एरिया था, मस्त था एकदम। अभी इस डूम से निकले, अभी उस पार हाँ शांति सागर, शांति सागर तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर में एक है, भगवान के जो जैन भगवान के बोल।
जैन भगवान के जो 24 तीर्थंकर थे तो उनमें एक महातीर्थंकर है, ये दिगंबर तीर्थंकर है, इनका नाम शांति सागर है। बहुत शांति मिलती है, इनका नाम शांति सागर, बहुत अच्छा लगा इधर आके। उनका जो लाइफ स्टोरी है, उनका जो लाइफ स्टोरी है वो उस दीवार पे उन्होंने पिक्चराइज करके रखा है, तो वो भी देखने में मजा। तो अभी बढ़ते हैं हिल के तरफ, हिल चढ़ते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं। अभी यहाँ से हम उस मंदिर में होके इस यहाँ पे गेट है, गेट उस गेट से अंदर यहाँ पे हिल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ थोड़े ही दूर तक रास्ता है और वॉक भी आराम से कर सकते हैं। आसपास एकदम ठंडा ठंडा जगह है, मस्त जगह है। हिल देखो क्या, अभी मेन चीज़ पॉइंट ये है कि वहाँ पे हिल जो है वो चढ़ना 400 स्टेप्स है और हमको दिख रहा है कि कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बस उतना ही, नॉट इवन 10, 7-8 लोग, 7-8 लोग चढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो चढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो वहाँ स्टार्टिंग में वहाँ पे ऑटो है, बड़ा 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 इस तरह तिर वो ना वो ड्राफ्ट 150 ಅಂತೀವಿ ಹಾ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೀವಿ ಹಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ಜನ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರು ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟದಾಗ ಬನ್ನಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಹಂಗಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, 540 ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಧದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಟ್ರೈ 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 ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಹಾ ಪೆ ಆಟೋ ವಾಲೆ ಇತ್ತು, ಮಾನ್ ಕಹಾ ಬೋಲೋಣ. ತೋ ಯಹಾ ಪೆ ಆಟೋ ವಾಲೆ ದಾರ ತೋಕೆ ಬೋಲ್ತಿದ್ದೆ. ತೋ ಯಹಾ ಪೆ ಆಟೋ ವಾಲೆ वहाँ पे जो खड़े रहते हैं स्टैंड पे, वो ऑटो वाले भी बोलते रहते हैं कि वहाँ पे कोई बोल रहा था कि 200 में वो एकदम ऊपर लेके चला जाएगा और वहाँ पे देखने के लिए भी मस्त नज़ारे हैं. और ये जो ऑटो वाले भैया ऑन द वे आ गए, वो बोल रहे थे कि 150 रुपीस. ये पैरट शास्त्र है, मम्मी बोल रही कि दिखाओ दिखाओ, मतलब आपको ये पैरट शास्त्र मतलब पता है ना, वो पैरेट बाहर आके कुछ कार्ड उठाएगा, उस कार्ड में जो लिखा है वो तुम्हारा नसीब है. तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि हमको किसी ने बोला कि 400 स्टेप्स है, तो अभी वो ऑटो वाले भैया बोल रहे थे कि 540 स्टेप्स है. तो अभी 540 स्टेप्स देखते हैं चढ़ पाएंगे कि नहीं. यहाँ पे कोई थक वक गया तो जूस है पीने के लिए, हाँ चाय भी है, तो देखते हैं कैसे चढ़ेंगे. एक्साइटेड ऑटो वाले भैया यहाँ पे, वहाँ पे बगल में रास्ता है, उस रास्ते से ऑटो लेके जाएंगे. अरे स्टेप्स तो बहुत ही छोटा छोटा है माँ, स्टेप्स तो बहुत ही छोटा छोटा है. मम्मी स्टेप्स को एक बार नमस्कार कर रही है, तो मैं अभी कर देता हूँ नमस्कार. मम्मी बोल रही है कि आराम से चढ़ सकते हैं स्टेप्स को, देखते हैं कितने आराम से चढ़ सकते हैं. वो हमको क्या, एक बार ट्राई तो करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि चढ़ सकते हैं कि नहीं. नहीं बहुत छोटा है, कितना आराम से चढ़ सकते हैं, मुश्किल ही नहीं हो रहा है. नहीं हुआ तो ऑटो ले लेते, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान दिख रहा है हमको चढ़ने में. बहुत अच्छा लग रहा है, मुश्किल ही नहीं है, इतना छोटा छोटा स्टेप्स है, रुक रुक के चल सकते हैं. मैं तो एक्चुअली सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं रहा हूँ, सीढ़ी के बगल में ही यहाँ पे जो रॉक है, इधर आ जाओ सीढ़ी के ऊपर. हाँ मैंने बोल दिया, अभी तू बता. ये पकड़ने के लिए यहाँ पे ऐसे रेलिंग जैसा भी है पकड़ने के लिए. अरे इतना चढ़ के ही खफा रहा हूँ, लगा नहीं था. ये जो रॉक है पूरा हिल का, इस रॉक को ही कट कर करके स्टेप्स जैसे बनाए हैं. मम्मी थक गई क्या? नहीं नहीं चढ़ सकती हूँ. बहुत एक्साइटेड लग रहा है, अच्छा लग रहा है. आस्ते आस्ते करेंगे चढ़ने का, आस्ते आस्ते करेंगे.
धीरे से चढ़ेंगे आराम से। वाह क्या मस्त नजारा, कोई जल्दी नहीं है। क्या मस्त नजारा पहाड़ का, यहाँ पीछे जो नजारा है वो मस्त एकदम। मम्मी थक गई क्या? ना ना आस्ते आस्ते ब्रेक ले लेके 500 सीढ़ियाँ चढ़ना है। वाह जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं उतना आसपास का नज़ारा जो है, व्यू जो है एकदम मस्त होते हैं। अरे बाप रे हमारा बाइक पार्किंग, कार पार्किंग और वो दुकान जो हम खाए थे वो सब दिखने लग गया। कितना बड़ा जगह है वहाँ पे, बहुत बड़ा जगह है। इधर में ना महीने में एक बार आने से हमारा हेल्थ ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी बोल रही, देखो हम थोड़ा कैसे चढ़ते हैं। मम्मी चढ़ रही है, हम यहाँ पे चढ़ ही नहीं पा रहे हैं और इतने ऊपर में बकरियाँ जो हैं खेल रहा है और हमको बकरी 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 मैं नहीं नहीं ये ठीक है कैमरा भले सी लगाते हैं नजारा। हाँ देखो वहाँ पे हमको दूर में ना पिकअप का साउंड आ रहा है, आवाज कर रहा है, लाइट खंबे भी है यहाँ पे, दैट मीन्स रात को या शाम को भी आ सकते हैं। हाँ दौड़ा वो बोले दौड़े का बोला था एक्साइटेड होके, अभी हाफ आ गए हैं ना 200 या 300 सीढ़ियाँ, अब थकान लग रही है सच में। पहाड़ जो है ना मुझे बार बार घूम घूम के पीछे का जो व्यू है वो देखने का ही मन कर रहा है, यहीं पे बैठ जाऊँ इसी को देखते रहूँ। आई थिंक आउट ऑफ 540 450 तो चढ़ी गए होंगे यार, 500 बाकी होगा। पूरा गांव शहर नीचे दिख रहा है लेकिन देखने में जितना इजी लगता है ये चढ़ने को उतना है नहीं। चढ़ते चढ़ते या तो फिर मेरा स्टैमिना कम हो गया होगा, चढ़ते चढ़ते थक ही जा रहे, ऑलमोस्ट आ गए, चढ़ के ऊपर आ गए एकदम। इधर देख रहे मस्त है, सिर जो है स्टेबल नहीं है। मम्मी को पानी पीना है, मम्मी धीरे धीरे पिया, इमीडिएटली पानी नहीं पीना चाहिए। मम्मा मैं कोई बस्ता रख वीडियो पड़े पर मम्मी सगे, एक तो पूरा वहाँ से हिल चढ़ के आए, आने के बाद खुश हो गए कि आ गए, जब हम यहाँ इतना सीढ़ी इतना सारी सीढ़ी देख के फिर डर गए और ये और चढ़ाई चढ़ते ही यहाँ पे बुद्धा जी का स्तंभ। ओ वाह यहाँ पे देखो इतने सारे डेवोटीज बैठे हैं, ऐसे लग रहा है ये जो ट्री है ट्री के नीचे बुद्ध देव बैठे हैं, ये ट्री मतलब आर्टिफिशियल ट्री है। वाह क्या मस्त नजारे यहाँ से, वो वहाँ पे पीछे दिख रहा होगा एक तालाब जैसा है और वहाँ पे ऑटो स्टैंड गाड़ियाँ भी है और कोई जो चढ़ नहीं सकता है वो पीछे से रास्ता है वहाँ तक ऊपर तक आ सकते हैं। ये तो एकदम राउंड सर्कल में है, ये
और मुख को डार्क कर लो। इतने बड़े पहाड़ के पूरे डॉगी चढ़ के आए कैसे भाई? शायद यही सामने वाला होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ये गोल्डन कलर का गोपुर बना हुआ है लेकिन ये लॉक्ड है। लॉक्ड? ओह, यहाँ पीछे जगह है। वाह, जा सकते हैं इसे। और देखो, ये देखो ऑटो से गुजर के खड़ा होता है, यहाँ से हम चढ़ के आना पड़ता है। यहाँ पे जाने का मन कर रहा है, कैसे जाऊँ? उस तरफ से जगह है। चलो कैसे एक्सप्लोर करते हैं। हम सीढ़ी से चढ़ के आए, वो ऑटो वाला बोल रहा था कि हम ऑटो से करके आते, तो ऑटो वाला पीछे से लेके आता। तो अभी थोड़ा ये मंदिर से बाहर निकल के देखते हैं कि पीछे कैसे जा सकते। यहाँ पे मुझे वो रास्ता दिख रहा है, और ऑटो मतलब कार भी आ रहे हैं, जहाँ पीछे से हमको अगर ऑटो में आते तो लेके आ जाते हैं, वहाँ सामने से ऐसे करके लेके आते हमको पीछे से। और वहाँ पे वाओ, वहाँ पे एक लेक दिख रहा है, लेक के पास जाना है। वो लेक का एक पॉइंट है, देखो पॉइंट है इधर। हाँ, वहाँ के लेफ्ट के ऊपर दिख रहा है क्या? हाँ, वहाँ आ सकते हैं लेकिन अभी नहीं छोड़ रहे शायद। देखते हैं उस तरफ से जाके, देखते हैं। चल मैं यही तो कुछ है इससे सबाई उसे कर चाहे परवा नहीं कि दूर है। हाँ, खाली पाए जाओ। ये ऑटो जो है, जो हमको बोल रहा था हमको ड्रॉप करेगा ऊपर तक, तो वो देखिए यहाँ तक, यहाँ से लाता है। पीछे की तरफ भी एक गेट है जो हमने देखा नहीं था। ऑटो यहाँ तक आके छोड़ता है, और कुछ जो एज्ड है जिनको यहाँ से भी चढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उन एज्ड अनएज लोगों को, मतलब जिनको एज हो गया उनको, यहाँ तक ऑटो ले आके वहाँ तक छोड़ता है, वहाँ तक छोड़ता है पीछे से। और ये देखो
भाई पहाड़ कैसा खड़ा हुआ है, ये पहाड़ अगर हिल गया तो डर लगता है ना। तो यार खाली पैर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे चुभ रहा है थोड़े छोटे छोटे मिट्टी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत से फैमिली पिकनिक ही मना रहे हैं। यहाँ से टेंपल एकदम अच्छा दिख रहा है। हम अभी हम वहाँ से आए, यहाँ पे कुछ जूस वगैरह कुकुम्बर सब मिल रहा है, तो ये पी रहे हैं अभी बैठ के। मम्मी फ्रूटी पी रही है। यहाँ पे एकदम खड़ा हूँ तो यहाँ से क्या व्यू है, उस तरफ भी पहाड़, वहाँ पे भी पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे भी पहाड़ दिख रहा है। वहाँ अभी हम मंदिर में थे, आपको दिखाए, उस मंदिर से निकल के थोड़ा पीछे आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी पहाड़ पहाड़, रॉक्स रॉक्स, पूरा रॉक। मम्मी अभी भी नमस्कार ही कर रही है। और वाओ, ऐसे बाइक रहा तो अच्छा है, लेके आ सकते हैं ऊपर। ओ चढ़ गए एकदम ऊपर, एकदम टॉप पॉइंट पे चढ़ गए। तो ये चीज़ हमने वहाँ से देखा था। ये क्या है मंदिर? वाह क्या मस्त नज़ारा है। ये क्या टेंपल है? हाँ यार टेंपल है, बुद्धा बुद्धा जी बैठे हैं। यहाँ से रास्ता है, यहाँ पे रास्ते पे ऑटो कार सब आ रहे हैं, ऊपर चढ़ गए। वहाँ पे वो रास्ता दिख रहा है पीछे का, जहाँ चढ़ के आना है। वहाँ पे एक ऑटो चढ़ के ऊपर आ गया। क्या मस्त जगह है, देख आए तो बेशक अच्छा जगह है। ठीक है अच्छा, कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत एक्साइटेड लग रहा है, लेकिन यहाँ पीक पे मतलब एंड में आए आए हैं ना, तो इसको बोल रही थी ज़्यादा सामने मत जाना करके बोल रही थी। थोड़ा पीक में आ गए ना, थोड़ा डर लगता है नीचे देखने के लिए। बहुत एक्साइटेड है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में डर भी लग रहा है। दिख रहा है छोटा सा टूम्ब, जिस टूम्ब के हम अंदर हम गए थे, और उसके बगल में वो स्टैचू जहाँ मंदिर हम गए थे, और वो रास्ता वहाँ पे एंड पे जाएंगे तो हमारा पार्किंग है। चलो अभी चलते हैं, उतरते हैं, देखते हैं। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम जिस हिल पे है उस हिल पे धूप नहीं, एकदम ठंडा है, लेकिन लेकिन इस हिल के उस तरफ जो दूसरे जगह है वहाँ पे धूप दिख रहा है। वहाँ पे सब धूप है, यहाँ पे सब छाव छाव है, वहाँ पे धूप दिख रहा होगा आपको। अभी हमको भी यहीं से उतरना है नीचे, मजा आएगा।
अभी 5 o'clock हो गया है, 5:30 के पास पास हो रहा है कुछ टाइम देखा हमने, तो हम अभी हम नीचे उतर रहे हैं सब इस हिल के ऊपर, मंदारेगिरी हिल के ऊपर टेंपल था, बुद्ध देव का स्टैचू था, बहुत सारे चीज़ बनाए थे, और उसके पीछे भी, उसके पीछे भी हमने आपको दिखाया क्या क्या चीज़ है। तो अभी यहाँ से उतर रहे हैं, यहाँ पे ना बहुत पिकॉक का आवाज़ आ रहा है, यहाँ से एक कुई कुई करता है तो वहाँ से और एक कुई कुई करता है पिकॉक। बीच में थोड़ा बैठ लेते हैं, यहाँ पे देखिए एकदम छोटे छोटे बहुत से ठेले हैं जहाँ पे नारियल पानी, बटर मिल्क, जूस, चाय सब मिल जाता है। और ये वो पीछे वाला रास्ता जहाँ से ऑटो या कार आपको ऊपर ले जाएगा, कार लेके भी जा सकते हो। वैसे हमारे लिए थोड़ा एक्सरसाइज होना भी ज़रूरी था। अभी ऊपर से नीचे उतर के आए, देख रहे कि कैसे चढ़ लिए, कैसे उतर लिए इस यहाँ पे, कैसे चढ़ लिए, कैसे उतर गए 540 स्टेप्स। चलो अभी थोड़ा सा वहाँ पे, हाँ जहाँ पे हमने नाश्ता किया था वहाँ पे चाय भी मिलता है, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ा उतरे, जहाँ पे हमने सुबह नाश्ता किया था वहीं पे हमने थोड़ा सा पानी और चाय पी लिया। ऊपर पहाड़ से उतर के आए ना तो एकदम टैंक बीच में, वरना वहाँ पे पहाड़ सीढ़ी दिख रहा है, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे चाय पी के, रिफ्रेश, और यहाँ से निकलेंगे अभी। क्या एक्सप्लोर आज का, व्हाट एन एक्सप्लोर, व्हाट एन एक्सप्लोर, वाह वाह वाह, मस्त जगह है मम्मी। न्यू मैसेज दे दो लोगों को कि आप भी अगर आओगे तो मस्त रहेगा, जरूर आना। ये एक डे बेंगलुरु का पास, तुमकुर के पास डे आउट, वन डे डे आउट के लिए बेस्ट प्लेस है मंदारगिरी एंड नामदचिलु में। अभी हम ये मंदारगिरी हिल से निकल गए, निकल के आगे बढ़ रहे हैं, घर की तरफ जा रहे भी ना बेची छिपा नहीं ना, बाप रे पूरा पानी भरा था, थोड़ा थोड़ा पैंट तो छिपा मेरे को दिख रहा है। देखो राइट में तुमकुर, लेफ्ट में बैंगलोर दिख रहा है, लेकिन भाई ये अंडरपास बहुत ही भयंकर था, पानी भरा पड़ा है, कोई देखने वाला है नहीं।